हेलो एवरीवन वेलकम टू एस अकेडमी आज आप लोगों से जीके के दस महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर आप लोगों को देना है तो चलिए देखते हैं आप लोगों से कितने क्वेश्चन बनते हैं एटलीस्ट आप लोगों से सात क्वेश्चन तो बनने चाहिए नहीं आप लोग तैयारी बहुत ही स्लो चल रही है आप लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं देखते हैं आप लोगों से कितने क्वेश्चन बनता है पहला क्वेश्चन है बास्केटबॉल के प्रत्यक्ष पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है हर क्वेश्चन में आप लोगों को पांच सेकंड का टाइम दिया जाएगा इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन डी पांच खिलाड़ी होते हैं यदि आप लोगों को ज्यादा टाइम लगे वीडियो का आंसर देने में क्वेश्चन का तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर उसका आंसर दीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िए ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकेंड निम्नलिखित में से किस टीम किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं किस खेल में होते हैं ये होते हैं काफ बाल में ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड विश्व की प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चीन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है ये तो सबसे बनना चाहिए यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर होगा सुंदर बनकर लल्टा ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है यह मनाता है आठ मार्च को ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है ये है बैंक ऑफ हिंदुस्तानी ऑप्शन बी आप लोग का सही उत्तर होगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन बैंकिंग जगत में प्रयुक्त के का पूर्ण रूप क्या होता है आप लोग डिजिटल दुनिया में आ गए हैं तो केवाईसी का फुल फॉर्म तो बनना चाहिए आप लोग हर सभी लोग केवासी जरूर करवाते होंगे बैंकों में इसका राइट आंसर क्या होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन डी नॉन यू कस्टमर ऑप्शन डी आप लोग का सही उत्तर होगा आप लोग ध्यान से देख लीजिए क्या स्क्रीन शॉर्ट लेके रख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट भारत में शिक्षा एक क्या है शिक्षा क्या है मूलभूत अधिकार है ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को किसे कहाता है अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन भारत में स्टडी सेवा शुरुआत किस वर्ष हुई भारत में स्टडी सेवा शुरुआत कब हुई 1960 में ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन सी तो ये टोटल दस क्वेश्चन दस क्वेश्चन में से आप लोग से कितने क्वेश्चन बने कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिए कि आप लोग दस क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पाए तो आज की वीडियो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह नई वीडियो पाने के लिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में